उज्जैन में अब जो भी चाइना की डोर बेचेगा या चाइना की डोर से पतंग उड़ाएगा उसके खिलाफ प्रशासन द्वारा रासुका की कार्यवाही की जाएगी। आज उज्जैन में सर्वधर्म सद्भावना मंच के माध्यम से स्वर्गीय नेहा आंजना को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं जिला प्रशासन से मांग की गई कि जहां नेहा आंजना की मौत ब्रिज पर हुई थी उस ब्रिज को स्वर्गीय नेहा आंजना के नाम से रखा जाए। मकर संक्रांति का पर्व आने वाला है और शहर में पतंगबाजी जोर शोर से की जा रही है। कुछ लोगों के द्वारा चाइना डोर बेची जाती है जो शहर में पूर्णतः प्रतिबंधित है। इस बार जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन चाइना डोर के खिलाफ सख्त कार्यवाही की चेतावनी दे चुका है। बेचने वालों के खिलाफ रासुका व दुकानों व मकानों को ध्वस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने अब तक शहर की संस्थाओं ने भी चाइना डोर के खिलाफ मुहिम चला दी है। जीरो पॉइंट ब्रिज पर पिछले साल नेहा आंजना की चाइना डोर में उलझने से गला कटने पर मौत हो गई थी। स्वर्गीय नेहा आंजना को सर्वधर्म सद्भावना मंच के द्वारा 2 मिनट का मौन रखकर और मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यही बात एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कही कि चाइना डोर बेचने और उड़ाने वालों के खिलाफ प्रशासन द्वारा जो भी केस किए जाएंगे किसी भी एडवोकेट के माध्यम से उसका केस नहीं लड़ा जाएगा। वो हमारे गांव की एक और हमारे परिवार की एक छोटी सी बालिका थी नेहा आंजना। वो जब छोटी थी तो उसकी पढ़ने की जिद थी कि मैं कुछ पढ़ के कुछ बनना चाहती हूँ। गांव ग्रामीण परिवेश में ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता। मेरे बड़े भैया ने उनके पापा ने भी बोला कि लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाएं, लेकिन उसकी एक जीत थी। घर वाले की जीत के उसके आगे नतमस्तक हो गए। उसके पापा ने उसकी जीत के सामने बोला कि बेटा पढ़। तो फिर वो पढ़ना आई यहाँ। उसके बहुत बड़े सपने थे, वो कुछ बनना चाहती थी और अपने साथ में अपने गाँव का और अपने परिवार का नाम ऊँचा करना चाहती थी। उस पर लेकर आज श्रद्धांजलि दी गई। पिछले साल चाइना डोर से नेहा आंजना की मौत हुई थी। आज उसके विरोध में भी और उसको श्रद्धांजलि देने के लिए आज ये प्रोग्राम छोटा सा आयोजित किया था, जिसमें मोमबत्ती जला करके और 1 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि ज्ञापित की है। और साथ ही साथ अनुरोध किया है शहरवासियों से कि चाइना डोर का विरोध किया जाए, ना खरीदें और ना ही बेचें। ऐसा करने पर जहाँ कहीं भी कोई उड़ाता हुआ पतंग उड़ाता भी इस डोर से पाया जाता है, तो शहरवासियों से भी अपील की कि उसको पुलिस के सुपुर्द किया जाए। क्या अपील करना? यही अपील है कि ब्रिज पर कोई भी निशानी हो या ब्रिज का नाम नेहा आंजना रख दिया जाए, जिससे सबको पता रहे और लोग जागरूक रहे इस चीज़ से और चाइना डोर बैन हो जाए। क्या नाम आपका? निकिता आंजना।